और ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट एंड फिल्टर्स पे। तो कल हमने इसका बेसिक बताया था और आपको कलर व्हील समझाया था कि लाइट के लिए कलर व्हील क्या होता है, और एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था। तो उसके आगे का कंटिन्यूशन है उस क्वेश्चन के आंसर, और बाकी क्वेश्चंस हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट कर। कलर कॉम्बिनेशन एक बार थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर देते हैं। तो कल मैंने आपको कलर व्हील समझाया था। कलर व्हील में मैंने आपको बताया था कि थ्री प्राइमरी कलर्स होते हैं लाइट के केस पे, रेड ग्रीन ब्लू। और प्राइमरी कलर्स को कंबाइन करने के बाद हमें सेकेंडरी कलर्स मिलता है। रेड और ग्रीन को मिक्स करने पे येलो मिलता है, रेड और ब्लू को मिक्स करने पे मैजेंटा मिलता है, ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स करने पे सायान मिलता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी सिखाया था कि येलो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे रेड लाइट तो ग्रीन मिलेगी, ग्रीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेड मिलेगी, और दोनों ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ब्लैक मिलेगा। तो ये बेसिक मैंने आपको कलर व्हील समझा दिया था कि जो ये सियान है, येलो है और मैजेंटा है, ये टू कलर के कॉम्बिनेशन से मिला है। अगर इसमें से एक कलर हम फिल्टर आउट करेंगे तो हमारे पास रेस्ट एक रह जाएगा। साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो भी हमारा सेकेंडरी कलर है जैसे येलो, सियान एंड मैजेंटा, इनको हमेशा हम प्राइमरी कलर्स में डिवाइड करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद क्या कलर फिल्टर आउट करना है, क्या हमें रखना है, उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में डिसाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो कल हम क्वेश्चन था डिमॉन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर सब्ट्रैक्शन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग कलर इक्वेशन। सेलेक्ट द कलर फ्रॉम कलर टेबल, व्हाइट माइनस ब्लू, व्हाइट माइनस रेड, व्हाइट माइनस ग्रीन, व्हाइट ब्लू, व्हाइट में से ब्लू एंड ग्रीन सब्ट्रैक्ट किया था। तो क्वेश्चन करने का तरीका यही है, या तो आप क्या करें यहाँ पे इसको कंबाइन करें। तो व्हाइट क्या है, व्हाइट लाइट है रेड ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ब्लू लाइट, तो आपके पास बचेगा रेड प्लस ग्रीन लाइट, और रेड प्लस ग्रीन लाइट होता है येलो लाइट। तो ऑप्शन है एच। सिमिलरली व्हाइट लाइट रेड ग्रीन ब्लू माइनस रेड लाइट, तो ग्रीन ब्लू, और ग्रीन ब्लू लाइट आपको देती है सयान। व्हाइट माइनस ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू माइनस ग्रीन, रेड प्लस ब्लू, दैट इज मैजेंटा एफ। व्हाइट व्हाइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइट व्हाइट मतलब रेड ग्रीन ब्लू माइनस ब्लू माइनस ग्रीन, तो सिर्फ कलर, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोस्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर सब्ट्रैक्शन कंप्लीटिंग द फॉलोइंग कलर इक्वेशन। सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर टेबल। कलर टेबल तो मैंने कहा था कि यही रिपीट होनी है, तो कुछ स्लाइड्स में मैंने फिर आगे नहीं भी रखा है। व्हाइट माइनस येलो, रेड प्लस ग्रीन माइनस ग्रीन, येलो माइनस ग्रीन एंड येलो माइनस रेड। तो मैंने आपको सॉल्व करने का आपको ऑलरेडी तरीका बता दिया है। तो क्या करेंगे, सेकेंडरी कलर्स को प्राइमरी कलर्स में मतलब सारे कलर्स जो भी आपको दिया है उसको आपको प्राइमरी कलर में रिड्यूस करना है, फिर जो भी सब्ट्रैक्ट एडिशन बोला है वो करना है, और लास्ट रिजल्ट फिर एडिशंस के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो लिखना है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं, व्हाइट लाइट मतलब हो गया आर बी जी, रेड ब्लू ग्रीन आरबीजी होता है, ठीक है, माइनस येलो। और येलो कलर क्या होता है, येलो कलर किसके कॉम्बिनेशन से मिलता है, ग्रीन और रेड के, तो ग्रीन प्लस रेड, तो ये माइनस हो गया, मतलब सिर्फ ब्लू कलर बचा, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड है आपका रेड, रेड ग्रीन, ये तो सीधा सीधा है, रेड में से रेड ही बचेगा, रेड ऑप्शन है आपका ए। येलो माइनस ग्रीन, तो येलो कलर क्या है, येलो कलर अभी बताया ग्रीन प्लस रेड का कॉम्बिनेशन है, उसमें से आपने ग्रीन कलर सब्ट्रैक्ट किया तो रेड कलर मिला, दैट इज ए ऑप्शन। और लास्ट येलो माइनस रेड, येलो क्या कलर हुआ आपका, येलो है फिर से ग्रीन और रेड, माइनस आपने रेड किया दैट
दैट इज ग्रीन, और ग्रीन ऑप्शन है आपका जी। ठीक है, तो हमेशा प्राइमरी कलर्स में रिड्यूस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, फिर एडिशन करके अगर प्राइमरी कलर्स बच रहे हैं तो उनको ऐड करके जो आपका सेकेंडरी कलर आ रहा है, आपका फाइनल आंसर फिर वो सेकेंडरी कलर रहेगा। अगर दो प्राइमरी कलर्स बच रहे हैं, आप यहाँ पे ऑप्शंस में दो कलर्स नहीं लिख सकते हैं। सपोज आपके कोई दो कलर लेफ्ट आउट हो रहे हैं तो उन दो कलर्स के कंबाइन होकर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, फिर वो लिखना होगा। ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि ग्रीन और रेड मिल रहा है। आपको पता है कि ग्रीन और रेड मिलके आपको येलो कलर देता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर सब्ट्रैक्शन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग कलर इक्वेशन। सेलेक्ट द कलर फ्रॉम कलर टेबल। व्हाइट माइस मैजेंटा सायन, ठीक है, व्हाइट में से सब्ट्रैक्ट किया। येलो प्लस ब्लू सायन, मतलब माइनस सायन। येलो प्लस सायन प्लस मैजेंटा, येलो प्लस सायन माइनस मैजेंटा, लास्ट येलो प्लस सायन माइनस ब्लू माइनस रेड। तो करने का तरीका क्या है, व्हाइट, व्हाइट मीन्स हो गया आर डी जी, मेजेंटा हो गया रेड प्लस ब्लू दैट इज ग्रीन। फिलहाल मैं कलर ही लिख देती हूँ, आपको जो है कलर टेबल से लिख सकते हैं। फिर व्हाइट आर बी जी माइनस सियान, सियान किसका कॉम्बिनेशन होता है, ब्लू एंड ग्रीन, तो ब्लू एंड ग्रीन सब्ट्रैक्ट हुआ दैट इज रेड। सिमिलरली येलो प्लस ब्लू माइनस यान साइन, ठीक है। तो अभी कलर्स आप ऐसे कर सकते हैं, तो येलो ग्रीन प्लस रेड ब्लू, इस पूरा व्हाइट हो गया माइनस यान साइन, साइन क्या हो गया आपका ब्लू एंड ग्रीन। तो करिए इनको सॉल्व और फिर मुझे फाइनल आंसर बताइए। ठीक है, या मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ, ठीक है, क्या आना है, अब आप उसको सॉल्व करिएगा। ये रेड है, फिर येलो प्लस सैन प्लस मजेंटा दैट इज वाइट लाइट होगा, ट्वाइस ऑफ वाइट लाइट, देख लें ट्वाइस ऑफ वाइट लाइट है क्या, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। येलो मीन्स हो गया ग्रीन, रेड प्लस इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब साइन हो गया ब्लू एंड ग्रीन, मेजेंटा हो गया रेड प्लस ब्लू, तो हर कलर टू टाइम्स हो गया, तो ये ट्वाइस ऑफ वाइट लाइट हो जाएगा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। येलो प्लस साइन माइनस मेजेंटा, येलो प्लस साइन माइनस ब्लू माइनस रेड, तो इसको सॉल्व करिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस फिल्टर के बता देती हूँ, ठीक है, दो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। येलो ग्रीन प्लस रेड, सियान ब्लू प्लस ग्रीन माइनस मेजेंटा ब्लू एंड रेड, तो आप क्या करिएगा, ये जो भी क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करने के लिए रेड ग्रीन एंड ब्लू इसका कलर व्हील बना लीजिएगा। यहाँ पे येलो आएगा, यहाँ मेजेंटा आएगा, यहाँ पर सयान 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 आएगा, और इन तीनों से वाइट लाइट आएगा, तो कलर व्हील बनाएंगे तो आपके उसके आंसर मिल जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर, फिल्टर सर्व एज द फंक्शन। फिल्टर फिल्टर का फंक्शन क्या होता है, जो फिल्टर्स हम यूज करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कलर फ्रॉम द लाइट विच इज इंसिडेंट अपॉन इट, एडिंग कलर टू द लाइट विच इंसिडेंट अपॉन इट, रिमूविंग निकोटिन फ्रॉम लाइट सो वी कैन लिव लॉन्गर लाइफ, एंड कंफ्यूजिंग फिजिक्स स्टूडेंट हु आर स्टडिंग कलर कॉजिंग दैम टू लिव शॉर्टर लाइफ। तो फिल्टर्स क्या करता है, फिल्टर कैन थॉट एज अब्जॉर्बिंग वन और मोर कलर्स, प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट विच इंसिडेंट अपॉन इट, अलाउंग रिमेनिंग कलर्स टू ट्रांसमिट। फॉर इंस्टेंट अगर हमने ग्रीन फिल्टर लिया सपोज, तो ग्रीन फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ ग्रीन फिल्टर्स विल एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ्स, सारे कलर्स एब्जॉर्ब करेगा, बस ग्रीन को ही ट्रांसमिट करने देगा। तो वो क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है बाकी कलर्स को, जो भी हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसमें से अगर मैंने ग्रीन फिल्टर लिया तो वो ग्रीन लाइट को ट्रांसमिट करने देगा, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो फिल्टर्स का क्या काम होता है, सारे जो भी लाइट जिस कलर को फिल्टर होता है, जिस कलर का फिल्टर होता है, सिर्फ उसके ही हमें आउटपुट में कलर मिले। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हाँ, इसका आंसर है ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कर लेते हैं। एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्टर्स बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम कलर टेबल शोन इज ऑफ रेड कलर इज कैपेबल टू ट्रांसमिट। कौन सा कलर रेड फिल्टर है तो रेड कलर ट्रांसमिट करेगा। ब्लू फिल्टर इज केपेबल टू ट्रांसमिट, ब्लू फिल्टर है तो ब्लू कलर ट्रांसमिट करेगा। ग्रीन फिल्टर इज केपेबल टू ट्रांसमिट, ग्रीन फिल्टर है तो ग्रीन लाइट ही ट्रांसमिट करेगा उससे। रेड फिल्टर विल एब्जॉर्ब, अब रेड फिल्टर है, रेड फिल्टर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो रेड फिल्टर है मतलब वो सिर्फ रेड लाइट को ट्रांसमिट करता है, बाकी लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अगर बाकी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या ठीक होगा, रेड फिल्टर है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। अब हम क्या कह रहे हैं, आर जी बी होता है वाइट लाइट। अब हमने रेड फिल्टर लिया, रेड फिल्टर सिर्फ रेड लाइट को ट्रांसमिट करेगा मतलब ग्रीन और ब्लू को ब्लॉक कर देगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और ग्रीन और ब्लू को जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन और ब्लू क्या होती हैं, ग्रीन और ब्लू मिक्स होके क्या बनाती हैं, साइन। ठीक है, तो यानी कि साइन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि ग्रीन और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेगा और साइन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली ब्लू फिल्टर के लिए, ग्रीन फिल्टर के लिए। अब लास्ट वाला कर लेते हैं, और रेड फिल्टर एब्जॉर्ब क्या करेगा, रेड फिल्टर सिर्फ रेड लाइट को जाने देगा बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यानी कि सियान को एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी उस पर लाइट इंसिडेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू विल एब्जॉर्ब, अब ब्लू कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो ब्लू को ही ट्रांसमिट करने देगा वो, ब्लू के अलावा कौन सी लाइट रह जाएगी, रेड और ग्रीन, तो यानी कि येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। येलो फिल्टर विल एब्जॉर्ब, येलो लाइट को ट्रांसमिट करेगा तो किसको एब्जॉर्ब करेगा, येलो लाइट क्या है, येलो लाइट है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड, तो किसको एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू को। ठीक है, येलो फिल्टर का मतलब क्या है, वो येलो लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, और येलो लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है तो आर बी जी में से, यानी कि येलो लाइट का मतलब क्या हो गया, रेड प्लस ग्रीन लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है तो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजेंटा फिल्टर विल एब्जॉर्ब किस लाइट को करेगा, फिर व्हाइट। अब ये देखिए थोड़े से क्वेश्चन ये और अलग हैं, एक दो क्वेश्चंस और ये डिस्कस कर लेती हूँ, फिर लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको आप करिएगा, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। अब क्या है, व्हाइट ऑब्जेक्ट है, व्हाइट ऑब्जेक्ट है मतलब आर जी बी कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, इज इल्यूमिनेटेड विद व्हाइट लाइट, मतलब इस पे जो लाइट इंसिडेंट हुई वो भी आर बी जी इंसिडेंट हुई, तो उसने क्योंकि व्हाइट ही ऑब्जेक्ट है तो वही लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो यानी कि आर बी जी को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। व्यू थ्री थ्रू ग्रीन फिल्टर, अब ग्रीन फिल्टर से हमने इसको देखा, ग्रीन फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ ग्रीन लाइट को ट्रांसमिट करेगा बाकी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो कैसा अपेयर होगा, तो ग्रीन ही दिखेगा क्योंकि उसने क्या किया, रेड और ब्लू को ब्लॉक कर दिया तो हमें ग्रीन ही दिखा। अभी आप कहोगे ये सब ऐसे ही दिखेगा, येलो यूज करेंगे तो येलो मिलेगा, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा कौन सी लाइट किस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा है, कौन सी लाइट इंसिडेंट की है और किस तरीके का हमने फिल्टर यूज किया है। तो आप देखेंगे कई बार जिस कलर का हम फिल्टर यूज कर रहे हैं उस कलर का हमें नहीं मिलेगा, आउटपुट में हमें कोई और कलर मिल जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्वेश्चन और देख लेते हैं. अ व्हाइट ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड विद व्हाइट लाइट व्यू थ्रू ब्लू फिल्टर, तो यहाँ पे भी ब्लू लाइट मिलेगा. तो अगर हम व्हाइट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, व्हाइट लाइट ही ले रहे हैं, तो आंसर थोड़े आसान हो जाते हैं. अभी व्हाइट देखिए, सी क्वेश्चन करके देख लेते हैं. व्हाइट ऑब्जेक्ट है, व्हाइट ऑब्जेक्ट का मतलब रेड ब्लू ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है. इल्यूमिनेटेड विद व्हाइट लाइट, इस पे इंसिडेंट भी RBG ही हुआ. और स्यान, स्यान से फिल्टर से देखा गया. स्यान का मतलब हो गया ये सिर्फ इसको ट्रांसमिट कर सकता है, तो यानी कि रेड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा और स्यान ही हमें आउटपुट में ऑब्जेक्ट दिखेगा. तो व्हाइट ऑब्जेक्ट था, स्यान कलर का दिख रहा है. व्हाइट ऑब्जेक्ट था, ग्रीन दिख रहा है. यहाँ पर व्हाइट ऑब्जेक्ट था, ब्लू दिख रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिएगा. अब एक दो थोड़े मैं अलग से और क्वेश्चंस देख लेती हूँ. आप क्या करिएगा, यहाँ से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके इनके आंसर लिखिएगा कि आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है. एक दो मैं थोड़े से और डिफरेंट से कलर्स ले लेती हूँ. इन क्वेश्चंस को भी नोट करिए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. चलिए सी ऑप्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो सी क्वेश्चन है हमारा येलो ऑब्जेक्ट. येलो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया रेड एंड ग्रीन ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड विद व्हाइट लाइट. हमने कौन सा कलर डाला, रेड ब्लू ग्रीन डाला. तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ये ग्रीन कलर ब्लू कलर को ब्लॉक अब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जिस कलर का ऑब्जेक्ट है हमें वही कलर दिखेगा. तो क्या करेगा, व्हाइट लाइट हमने भले ही डाली है लेकिन ये ब्लू कलर को एड कर देगा, तो रेड और ग्रीन ही रहेगा. व्यू थ्रू मजेंटा. मजेंटा क्या होता है, मजेंटा फिल्टर्स लिया. मजेंटा फिल्टर का मतलब हो गया ब्लू प्लस रेड फिल्टर है. विल अपेयर, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो रेड और ग्रीन का था. हमने जो लाइट इंसिडेंट की वो रेड ग्रीन ब्लू की, जिसमें से ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया ऑब्जेक्ट की वजह से. रेड और ग्रीन बचा, रेड और ग्रीन जो कलर है वो फिल्टर पे गया मेजेंटा पे. मेजेंटे का क्या काम है, मेजेंटा कलर किसको पास कर सकता है, ब्लू और रेड को कर सकता है. तो कलर था ग्रीन और रेड, ब्लू उसमें है नहीं तो ब्लू तो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ हमें आउटपुट पे रेड कलर दिखाई देगा. ठीक है, यानी कि जो येलो ऑब्जेक्ट है जब मैजेंटा फिल्टर के थ्रू हम देखेंगे तो हमें रेड कलर का दिखाई देगा. ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चंस को. एक किस तरीके का और देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेती हूँ. यहाँ के क्वेश्चंस अगर आपने नोट कर लिए तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करिएगा. तो लाइन से यहाँ पे ABCD क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कर लीजिएगा. और इसमें से कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए बी क्वेश्चन कर लेते हैं. ये भी येलो का है, चलो बी ब्लू ऑब्जेक्ट का कर लेते हैं, सी क्वेश्चन कर लेते हैं. तो ब्लू ऑब्जेक्ट है, इज इल्यूमिनेटेड विद ब्लू लाइट. तो ब्लू ऑब्जेक्ट है, ब्लू लाइट से ही देख रहे हैं, तो मतलब येलो फिल्टर से देख रहे हैं. यस, ब्लू ऑब्जेक्ट को ब्लू लाइट से येलो फिल्टर से देख रहे हैं. ठीक है, तो जब येलो फिल्टर में जाएगा तो येलो फिल्टर क्या करेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा, सिर्फ येलो लाइट को पास होने देगा. और येलो लाइट क्या है, येलो लाइट है रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो ये सिर्फ रेड और ग्रीन को पास करने देगा. तो ब्लू ऑब्जेक्ट अगर ब्लू लाइट से इल्यूमिनेट कर रहे हैं तो हमें सारे कलर्स क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, नहीं दिखेंगे, तो आउटपुट में हमें ब्लैक दिखेगा. ब्लैक क्यों दिख रहा है, ब्लू ऑब्जेक्ट था, ब्लू लाइट थी, येलो फिल्टर से देखा, येलो फिल्टर सिर्फ रेड और ग्रीन को पास कर सकता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ब्लू लाइट आ रही थी, ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आउटपुट पे हमें कोई कलर नहीं मिला. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम तरीका है. आप क्या करिए, जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं उसके लिए कलर व्हील बना के सॉल्व करिए.
तो आप समझ जाएंगे। और व्हाइट को भी आरबीजी में डिवाइड कर लीजिएगा, और अगर सेकेंडरी कलर्स से प्राइमरी कलर्स में डिवाइड कर लीजिएगा, और इनको सॉल्व करिए। आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा इन सभी क्वेश्चन के आंसर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आंसर देखिएगा। इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए एक बार, ठीक है? अब मैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, करने का तरीका आपको बता ही दिया है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको प्राइमरी कलर में चेंज करिए, जैसे येलो ही है तो रेड और ग्रीन में डिवाइड करिए। किससे देख रहे हैं? ग्रीन लाइट से देख रहे हैं। इज व्यू थ्रू सियान फिल्टर, सियान किसको पास आउट कर सकते हैं? ब्लू और ग्रीन को, ठीक है? तो आउटपुट में आपको कौन सा कलर मिलेगा? यहां से रेड ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है, ये ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। ग्रीन लाइट से सियान फिल्टर से हमने देखी, तो ब्लू तो है ही नहीं उसमें कंपोनेंट, तो ग्रीन लाइट हमें मिल जाएगी। तो येलो ऑब्जेक्ट सियान फिल्टर से अगर हम देखते हैं तो हमें ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चंस नोट डाउन हो गए। तो ये स्लाइड हम यहीं एंड करते हैं, थोड़ी लॉन्ग हो गई है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। अगर सारे क्वेश्चंस में यहाँ सॉल्व करती तो और लंबी हो जाती। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो और बना लेंगे। बट होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और बेस्ट ऑफ लक, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल।